शानदार वीडियो लेके आया है आप लोगों का भाई। तो आज का वीडियो जिस टॉपिक पे है वो मैं पहले ही बोल देता हूँ, वो है एक ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर के जो पिछला पहिया पूरा खोल दिया था और वगैरह बहुत कुछ हो गया था और शानदार वीडियो हुआ है जो आप लोग देख के बोलेंगे कि क्या दिख गया है, और जिसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं था वो भी आज आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो वीडियो वैसे मेरे भांजे ने मेरे को कॉल करके बुलाया है कि मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है, तो तुम आओ मैकेनिक को बुलाओ। तो हमने गया मैकेनिक को बुलाया और क्या कर दिया ट्रैक्टर को आप लोगों को वो ही दिखना है। तो सबसे पहले देर ना करते हैं, चलिए चलते हैं वीडियो पे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है सोनालिका का ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर तो वैसे सोनालिका होता है और बहुत सारे ब्रांड का होता है, लेकिन सोनालिका ट्रैक्टर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो इस ट्रैक्टर वो ये जो है हमारी एक भांजे का है, तो वो मेरे को मामा बुलाते हैं, और भांजा जो है वो ट्रैक्टर चलाते भी है और ट्रैक्टर का मतलब बिजनेस करता है। वो ट्रैक्टर खरीदता है और ट्रैक्टर बेचता है, वैसा वगैरह करता है, और ट्रैक्टर भाड़ा भी देता है। तो सोनालिका का ट्रैक्टर जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है और बहुत ही शानदार होता है। तो ये आज हम मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन भांजे को पूछना पड़ेगा कि ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो इंजन में भी प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा बहुत, और ये जो पार्ट होता है ना, अंदर का पार्ट जो होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पे आज कुछ खराबी हो गया है, जिसके कारण आज ये पहिया जो है, दोनों पहिया नहीं, ये पिछले का एक पहिया खोलना पड़ेगा और अंदर कुछ ठीक वगैरह करना पड़ेगा। तो वैसे मैं मैकेनिक नहीं हूँ, तो मेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि कौन सा क्या हुआ है, किस पार्ट में क्या हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको ट्रैक्टर को, सोनालिका ट्रैक्टर को खोल के, मतलब पूरा का पूरा पिछला पहिया खोल देंगे, पूरा पहिया खोल के अलग अलग करके आप लोगों को दिखाएंगे पार्ट्स वगैरह। तो यही होता है आज को, तो देर ना करती है, चलिए चलते हैं मैकेनिक को बुलाते हैं और खोलते हैं, खोल के देखते हैं। तो गाइस, ये सोनालिका का गाड़ी जो खराब हुआ है ना, दिखाया था ट्रैक्टर, वो खोल के अभी हो गया है। देखिए एक पार्ट पूरा का पूरा, देखिए कैसा दिख रहा है, एक पहिया है और दूसरा पहिया नहीं है, पिछला हिस्सा भी नहीं है, स्टार्टिंग लगा हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं है। और एक प्रॉब्लम जो हुआ था इधर मतलब कुछ हुआ था, इस पहिए को खोल दिया है। देखिए इधर दूसरा पहिया होता है, इधर दूसरा पहिया है, और दूसरा नंबर पे जो पहिया होता है वो इधर है, खोल के इधर रख दिया है हमारा मैकेनिक ने। तो सामने का इंजन का उतना भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और इधर ए देखिए, ए जो पार्ट होता है ना, इधर पूरा का पूरा कितना होता है, मिनिमम 60 के आसपास, 60 लीटर के आसपास ऑयल होता है। वो ऑयल जो होता है वो होता है हाइड्रोलिक ऑयल, ये देखिए ये हाइड्रोलिक ऑयल होता है। इधर पूरा का पूरा एकदम भर दिया है, इधर भरा है और ये बाल्टिंग में भी भरा है, इधर रहता है पूरा। तो सब लोग सोचता है कि सिर्फ इंजन के उधर टैंक पे वो मतलब डीजल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, लेकिन इंजन के अंदर भी वैसे बहुत सारा पार्ट्स होता है, उधर भी ऑयल रहना पड़ता है। तो ऐसा ये देखिए जैक लगा के खोला है, थोड़ा ऊपर करके ये पहिया खोला है, पहिया इधर रखा हुआ है, और ये जो पार्ट है ये पिनियम है, और रेंच वगैरह ये सब देख सकते हैं मैकेनिक ने, ये सीट के ऊपरी हिस्सा, और वो रहा सीट जिधर ड्राइवर बैठता है। तो ये पहिया रहा है, ठीक है, और ये जो है ना, ये पार्ट होता है गियर बॉक्स। तो ये अभी खोलना पड़ेगा, मतलब मेरे को मालूम नहीं है ना, इसलिए दिखा नहीं सका। तो हो गया है अभी। तो गाइस असली बात अभी मेन टॉपिक पे आता है, इस ट्रैक्टर का जो हुआ है वो हुआ है, रूलर बेयरिंग जो होता है वो टूट गया है, मतलब खराब हो गया है। तो वो लगाना पड़ेगा, मैकेनिक आ गया है, खोल दिया है, सब कुछ हो गया है, वो ऊपरी हिस्सा जो है वो उधर रख दिया है, वो वाला, और सीट उधर रख दिया है, दिखा दिया। और ये जो पहिया होता है, ये पहिया ये लगा के मतलब उधर बेयरिंग होता है वगैरह होता है, लगाता है। तो हम मैकेनिक होते तो आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल से बता सकता है कि कौन सा क्या है, लेकिन मैं सिर्फ बाइक का नहीं, आज ट्रैक्टर का मिला है। भांजे ने मेरे को बुलाया है कि ट्रैक्टर देखो कैसा हालत हो गया है,
देखिए कैसा हालत हो गया है। एक पहिया है, ऊपर हिस्से नहीं है, स्टडिंग लगा हुआ है और पहिया दूसरा पहिया नहीं है। तो भांजे ने बुलाया इसलिए ट्रैक्टर का भी वीडियो बना दिया। जब जब मौका मिलेगा आपको हम L2 वगैरह I20 वगैरह जो भी गाड़ी हो, सिर्फ बाइक का नहीं, सबका वीडियो डालते रहेंगे। तो मेन प्रॉब्लम बता दिया है, अभी आएगा वो मैकेनिक आके लगा देगा, ये पहिया लगा के पूरा फिटिंग कर देगा और इंजन वगैरह इधर है। तो जैसे कि मैं सोचता था कि ट्रैक्टर का सोनालिका हो या बाकी ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर का इंजन जो होता है वो सामने होता है, ये वाला हिस्सा ही इंजन होता है, लेकिन ये गलत है। असली इंजन तो ये वाला होता है। ये नहीं होगा तो दोनों पहिया नहीं घूमेगा तो ट्रैक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को मेन टॉपिक बता दिया है। तो हो गया है आज का वीडियो दोस्तों, इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को, अगर आप लोग सोचते हैं कि कोई काम का वीडियो हुआ है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे को सपोर्ट कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू गाइस।